जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दानिया अली। जो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है उसका उनका नाम है एम ए शहजाद खान, जिनके प्रेडिक्शन पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी हवाले से हम उनसे एक और प्रेडिक्शन पूछेंगे। कल है 12 मार्च 2021, कल सेनेट के इलेक्शन है चेयरमैन के, तो इसी हवाले से हम पूछेंगे कि कल कौन जीतेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम दानिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं आपके प्रोग्राम में बैठा और आपने कैसी प्रेडिक्शन पूछी जिसका तो पूरी दुनिया को इंतज़ार है। तो मैंने जैसे कि पहले कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे और उन्होंने कर लिया, तो उसके बाद मेरी और ज़्यादा मैं मजबूत हो गया कि प्रेडिक्शन जो मैं सोच रहा हूँ वो मुकम्मल हो सकती है। तो कल मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि सादिक संजरानी साहब जो हैं दोबारा चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। अगर इक्वल भी हो जाते हैं वोट तो कास्टिंग वोट में भी जो सादिक संजरानी साहब जीत जाएंगे। और एक और मैंने मुशाहदा किया और मैं गौर कर रहा था कि जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं आरिफ अलवी साहब, उनका ताल्लुक सूबे सिंध से है, और हमारे जो जो इमरान खान साहब उनका ताल्लुक पंजाब से है, और जो के पी से जो असद कैसर जो स्पीकर कौमी असम्बली, उनका ताल्लुक भी देखें के पी के से, और जो सादिक संजरानी साहब जो हैं अगर इनका ताल्लुक अगर हम देखें तो इनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है। तो नो डाउट मैं इस वक्त बड़ा मजबूत हूँ कि सादिक संजरानी साहब जो हैं बिल्कुल वो सेनेट का जो चेयरमैन का इलेक्शन वो जीत जाएंगे और चारों सूबों की मेन सीटें तमाम सूबों के पास होंगी। ओ तो जी, देखते हैं कल की आपकी प्रेडिक्शन पूरी होती है कि नहीं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे। मुझे दानियाली और एम ए शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।